मेंटल इलनेसेस पर बात तो बहुत होती है और कहा जाता है कि मेंटल इलनेस जैसा सच में कुछ होता है, मेंटल इलनेस एग्जिस्ट करती है और मेंटल इलनेस के स्टिग्मा को हटाने के लिए काफी बात की जाती है और ऐसा भरोसा दिलाया जाता है कि मेंटल इलनेस को वैलिड समझा जाना चाहिए, मेंटल इलनेस सच में होती है, इसको लेकर सीरियस रहना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए। पर फिर भी बहुत बड़ा वर्ग है दुनिया का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आसपास आपको मिल जाएंगे जो कि मेंटल इलनेस को बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं। उनके लिए ऐसा लगता है कि जैसे मेंटल इलनेस तो दूर की जा सकती है थोड़े से प्रयासों से। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज होते हैं वो तो सभी को आते हैं, पर कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, इस वजह से वो मेंटली इल हो जाते हैं। आसपास की दुनिया में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मेंटल इलनेस तो मन की कमजोरी होती है, कुछ लोग स्ट्रांग नहीं होते इसलिए वो मेंटली इल हो जाते हैं। तो यहां एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आता है, एक तरह की डिबेट होती है, जहां एक तरफ तो कुछ लोग डॉक्टर्स या पेशेंट्स या उनके फैमिली मेंबर्स ये ऐसा मानते हैं कि हाँ मेंटल इलनेस जैसा कुछ होता है, तो वहीं एक वर्ग है जो ये मानता है कि मेंटल इलनेस जैसा तो कुछ होता नहीं, मेंटल इलनेस तो मन की कमजोरी है, वो तो कोई भी दूर कर सकता है, जब चाहे उसको दूर किया जा सकता है। तो ऐसे में समझना जरूरी है और उन लोगों को समझाना जरूरी है कि ऐसा क्यों है कि मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर जो है वो वास्तविक तौर पर एग्जिस्ट करते हैं और सही मायने में दिमाग के अंदर सोच में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से मेंटल इलनेस पनपती है, डेवलप होती है और कई लोगों के लिए उसे दूर कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। इस वीडियो में तीन ऐसे पहलू बताऊंगा जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ मेंटल डिसऑर्डर जो है वो सही में एग्जिस्ट करता है और वो एक वैलिड कंडीशन है और उसे सीरियसली लिया जाना चाहिए। क्योंकि मेंटल इलनेस के स्टिग्मा को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि एबनॉर्मल मेंटल कंडीशन क्या होती है, कैसी होती है और किस टाइप के मेंटल स्टेट को हम कहते हैं कि वो एबनॉर्मल स्टेट है, या ये कहें कि किस टाइप के मेंटल स्टेट को हम कहें कि वो एक बीमारी का स्टेट है। तो पहले तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो एक नॉर्मल जो डिबेट होती है कि भाई ज्यादा सोचने से मेंटल इलनेस हो जाती है, या जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी से पीड़ित हैं वो सिर्फ जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, अगर वो ज्यादा सोचना बंद कर दें तो शायद उनको ये मेंटल डिसऑर्डर चला जाए। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो ऐसा मान के चलते हैं या आम धारणा ऐसी रहती है कि बस ज्यादा सोचना ही मेंटल डिसऑर्डर की निशानी है, ज्यादा सेंसिटिव हो जाना ही मेंटल डिसऑर्डर की निशानी है। ऐसा लगता है कि जैसे मेंटल डिसऑर्डर एक क्वांटिटेटिव चीज है, मतलब आम तौर पर किसी का मूड सैड होता है, कुछ जरूरत से ज्यादा सैड हो गया तो वो डिप्रेशन में चला गया, आम तौर पर कोई टेंशन लेता है एंजाइटी में रहता है, कुछ जरूरत से ज्यादा एंजाइटी लेने लगे, जरूरत से ज्यादा टेंशन में चले गए तो शायद उनको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। भाई ओसीडी जैसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्सेशंस कंपल्शंस, वो तो सभी को होती हैं, कुछ लोग जब ज्यादा करने लगते हैं तो वो ओसीडी से पीड़ित हो जाते हैं। भाई मूड फ्लक्चुएशंस तो सभी में होती हैं, कुछ लोगों में जब ये ज्यादा हो जाती है वो कंट्रोल नहीं करते तो ऐसे में बाइपोलर हो जाता है, जबकि ये सच नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर्स केवल क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं होते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई चीज, मतलब कोई नेगेटिविटी बस जरूरत से ज्यादा हो रही है, यहां पर एक क्वालिटेटिव चेंज आता है। मेंटल डिसऑर्डर में एक गुणात्मक बदलाव आता है और इसे ऐसा समझा जाता है कि एक व्यक्ति का देखने का नजरिया बदल जाता है, खुद को, बाहर के लोगों को, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है, जिसे कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक कॉग्निटिव बायस होता है जिससे कि उनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो जाती है। कुछ कॉग्निटिव बायसेस एक पर्सन की थिंकिंग को बहुत ज्यादा ओवरपावर कर लेते हैं, इस वजह से थिंकिंग जो है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव थिंकिंग केवल ज्यादा सोचना नहीं होता, इसके जड़ में एक कॉग्निटिव बायस होता है, जैसे कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान देते हैं। कुछ लोग अपने आसपास के लोगों के साथ जब बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो कुछ बातों को बहुत पर्सनली ले लेते हैं। कई बार कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं जो किसी एक घटना में हुए थे, पर कभी कभी उसको बहुत ज्यादा जनरलाइज कर लिया जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारे साथ नेगेटिव इंसिडेंट हुआ वो अक्सर बार बार अलग अलग सिचुएशंस में भी होता रहेगा, इसलिए हमारे मन में बहुत डर बैठ जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा दूसरों की इंटेंशन को डाउट करते हैं, दूसरों की नियत पर शक करते हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो जाते हैं। तो ये जो कॉग्निटिव बायसेस जो मैंने आपको बताए, सेलेक्टिव अटेंशन, मेंटल फिल्टर,
जंपिंग टू कॉन्क्लूजन्स, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, ओवर जनरलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, इसी तरह कैटेस्ट्रोफाइजेशन होता है, ऐसे कई सारे कॉग्निटिव बायसेस होते हैं जो एक व्यक्ति की सोच में एक क्वालिटेटिव चेंज ले आते हैं, जिस वजह से ये व्यक्ति अब वैसे नहीं सोचता जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति सोचता है, और इस वजह से उनमें ओवर थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिहेवियर्स, गलत आदतें, बैड हैबिट्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ज्यादा सोचना केवल मेंटल डिसऑर्डर को कैरेक्टराइज नहीं करता, कॉग्निटिव बायसेस बहुत रिजिड हो जाना जिसको एक व्यक्ति बदल नहीं पाता और उसका खुद को और दूसरों को देखने का नजरिया बदल जाता है, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर्स में एक्चुअल में होता है। दूसरा एस्पेक्ट है कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बायस जो है वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा, जैसे ओसीडी में, एडीएचडी में। अब एक छोटा सा बच्चा है जिसको एडीएचडी डेवलप हुआ या टिक्स डिसऑर्डर डेवलप हुआ, उसका ऐसा क्या बायस है जो काम कर रहा है? आमतौर पर हम देखेंगे बहुत ज्यादा हम बायस की फॉर्म में नहीं डिफाइन कर पाते एडीएचडी या कुछ ऐसी कंडीशंस को। वहां पर हम देखते हैं कि ब्रेन की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स में आने वाले कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिस वजह से एक पेशेंट के लिए, एक पर्सन के लिए अपने कुछ बिहेवियर्स, थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। ब्रेन या तो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड होता है या जरूरत से ज्यादा इनहिबिटेड रहता है, मतलब ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं जिस वजह से ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी आपस की जो कनेक्शन है, फायरिंग है, जिसे हम कहते हैं फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, वो जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव हो जाती है, ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है या वो एरिया कम एक्टिवेटेड हो जाता है, जिस वजह से एक पर्सन के बिहेवियर्स इफेक्ट होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं, उनका बेसिस ब्रेन में होता है, ब्रेन के फॉल्टी न्यूरल कनेक्शंस में होता है, जिस वजह से वो कुछ अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अनकंट्रोलेबल जब हो जाती हैं थॉट्स, इमोशंस और कुछ बिहेवियर्स जिसके पीछे क्लियरली ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, इस वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, और इस वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स वैलिड डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब ब्रेन में आने वाले चेंजेस की वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं। तीसरा एस्पेक्ट आता है मेंटल डिसऑर्डर्स का, वो होता है सेल्फ रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, या जिसे कहें सेल्फ रेगुलेटरी डिसफंक्शन, मतलब खुद को रेगुलेट ना कर पाना, मतलब अपने अंदर आने वाले इमोशनल चेंजेस को रेगुलेट ना कर पाना, उसको संभाल ना पाना, अपने थॉट्स के अंदर आने वाली नेगेटिव थॉट्स को रोक ना पाना, उनमें से सही और गलत विचारों के बीच फर्क ना कर पाना, या सही विचार को मन में रखना और गलत विचार को मन से निकालना, ये चीज ना कर पाना, अल्कोहल या ड्रग्स बहुत ज्यादा लेते हैं जानते हुए भी कि ये चीजें गलत हैं फिर भी करते जाना, नींद की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जरूरत से ज्यादा जाग रहे हैं, इंसोमनिया हो रहा है, जानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर सोना चाहिए और उठना चाहिए फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सेल्फ रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हम खुद को रेगुलेट नहीं कर पाते, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं ला पाते, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी मेंटल डिसऑर्डर्स में होती हैं, और कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर्स को हम एक तरह के सेल्फ रेगुलेटरी डिसफंक्शन के तौर पर देखते हैं, और यही एक फर्क होता है एक ऐसे पर्सन में जो खुद को रेगुलेट कर रहा है, और ब्रेन के अंदर आने वाले कुछ ऐसे चेंजेस की वजह से सेल्फ रेगुलेशन प्रॉब्लम्स आती हैं जिस वजह से एक व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो ये मोटे तौर पर तीन एस्पेक्ट्स होते हैं जो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर में पाए जाते हैं, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स वैलिड कंडीशंस होती हैं, ये वैलिड मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं।